हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। और आज है बृहस्पति। देखो, मैंने डाला है येलो सूट और अभी कराती हूँ अपने कान्हा जी के दर्शन। सुबह का टाइम हो चुका है और मेरा सारा काम पड़ा है। ये देखो, इधर कपड़े भी। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना डेली रूटीन। कई बार मैसेज आ चुके हैं कि अपना डेली रूटीन दिखाओ, वही दिखाऊंगी मैं आप लोगों को आज। अभी कराती हूँ दर्शन गाइस। राधे राधे। ये देखो, इसने तो फुल कैप पहनी हुई है, फिर सर्दी लग रही है इन्होंने तो। ये देखो मेरी लाडो को, इतनी क्यूट, कितनी सुंदर लग रही है। कन्हैया से मिलो। और ये मेरे केशव जी, तिरछी टोपी पहन रखी है उन्होंने। और ये मेरी लाडो। और देखो केशव कितना क्यूट, कितना छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल फिट हो रहा है। सर्दी आ गई भैया, अब सर्दी में फिट ही रहेंगे अब। अभी करूँगी सबसे पहले मैं अपने कपड़ों की तय बना देती हूँ, ताकि फिर आगे काम करूँगी। फिर खाना तो सुबह बन ही जाता है, बच्चे जाते हैं जब। अब रोटियाँ बनानी है, वो 2 बजे बनाऊँगी। फिर मैं फटाफट कपड़ों की तय कर देती हूँ। सुनाओ भाई, सब कैसे हो? आज आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी। डेली रूटीन की कई बार मैसेज आ चुके हैं कि डेली रूटीन दिखाओ अपना, आज वही दिखाऊंगी। और सुबह के बज चुके हैं 8 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल में, 6:30 बजे चले जाते हैं बच्चे। तो किचन का ये लगा लो, तभी तकरीबन हो ही जाता काम मेरा। खाना बन जाता है, सब्जी बन जाती है, आटा सारा, मतलब किचन का लगभग हो ही जाता है। बस अब झाड़ू पोछे वाली आएगी, वो अभी काम बहुत हो जा भाई। देखो स्पीड से, ये देखो गाइस, बर्तन हो गए साफ। इधर ये देखो, अब ये कर लेंगे पूजा और फिर मैं अभी उनको नहला देती हूँ। अब गर्म पानी करके सारे नहाएंगे।
ये देखो गाइस, सभी हो गए हैं रेडी। इन्होंने पहनी है येलो और पिंक सेम सेम ड्रेस, और इन दोनों ने पहनी है गोल्डन और रेड, और इस जोड़े ने भी पहनी है गोल्डन और रेड, और छुटकू ने ये वुलन की पिंक और येलो। अब इनका नाश्ता आ गया, पर इनको नाश्ता कराऊंगी, फिर कुछ और काम करूंगी, फिर ये बैठे रहेंगे। करो भाई दर्शन, राधे राधे। अभी इनको ज्वेलरी वगैरह डालूंगी, पहले इनको भूख रख रही है, इनको नाश्ता कराऊंगी पहले। सुबह ये देख लो, डेली का एक डेढ़ घंटा तो इनकी इसमें चला जाता है मेरा। लो चुटकू मियाँ जी, लो माधव जी, आज भाई बताना जरूर कमेंट में ये दोनों कैसे लग रहे हैं भाई। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। खाएंगे नमकीन। लो चुटकू जी, कन्हैया जी देखो कितनी खुश हो रही है, ये हमेशा खुश रहे ये। भाई सभी ने अब नाश्ता कर लिया, अब ये खेलेंगे बैठेंगे, जो भी इनको करना होगा वो करेंगे। अब इनसे अब फ्री होगी मैं। टाइम हो गया 9:30, 8:15 इनके काम में लगी थी, 9:30 हो गए भाई। अब करूँगी मैं नाश्ता, और इन्होंने तो कर लिया नाश्ता खा पी के बैठे। आओ भाई पियो चाय और प्रसाद की नमकीन खाओ। हेलो गाइस, ये देखो टाइम हो गया है 10:45, और मेरा सारा काम कंप्लीट। अभी जा रही हूँ अपनी शॉप पे, अब वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। ये बच्चे बैठे हैं सारे,
जब सारा काम कंप्लीट हो गया मेरा, बस रोटी बनानी रह रही है। वो दोपहर में आऊँगी 2 बजे, तब बनाती हूँ मैं। तब तक ये सूख जाएंगे बर्तन, तब इनको मैं लगा दूंगी। अभी मिलते हैं आप लोगों को शॉप पे। मैं शॉप पे आ रही हूँ। चूड़ियाँ लगी हुई हैं हर जगह। इधर ये कपड़े हैं, ये है सारी कॉस्मेटिक की। और इधर अंदर एंट्री करेंगे हम, फिर यहाँ भी चूड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये मेरी कपड़ों की शॉप, 2 शॉप है टोटल मेरे पास, है ज्वाइंट में ही दोनों। और मैं अकेली ही मैनेज करती हूँ दोनों शॉप को। आप लोग बोल रहे थे ना कि शॉप का भी बताना दिखाना हमें भी, तो शॉप भी मैंने आज आप लोगों को दिखा दी अपनी। अब यहाँ रहूँगी मैं 2 बजे तक, फिर 2 बजे जाऊँगी घर पे, फिर वहाँ बनाऊँगी खाना, खाना बनाते खाएंगे, फिर बच्चे आ जाएंगी, फिर वही शॉप पर आ जाऊँगी 4 बजे, फिर यहाँ से जाऊँगी 7, 7:30, 8 बजे से, फिर वही शाम का खाना वाना, यूँ ही निकल जाए सारा दिन। चलो भी बताना ज़रूर कि कैसी लगी मेरी शॉप। डबल शॉप है मेरी। ओके देखो गाइस, आ गई हूँ घर पे, 2 बज गए हैं, लेकिन अभी दोबारा से फ़ोन आया है, मेरे को दोबारा शॉप पे जाना पड़ेगा, आके खाना बनाऊँगी मैं। यही होता है मेरे साथ कई बार, घर में आती हूँ, घर में आते के साथ शॉप से फ़ोन आ जाता है, इनको खिला जाती हूँ कुछ, ये भी खाना खाएंगे, इनके लिए बना जाती हूँ 1-2 रोटी, फिर आके बनाऊँगी। और देखो गाइज, अभी खाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैंने कहा तब तक ये चिक्कू खा लेंगे, चिक्कू खाएंगे तब तक, जब तक मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ, कि बच्चे हैं भूख तो लगी जाती है इनको बार बार। वैसे तो मैं इनके पास से एप्पल रख के गई थी, वो इन्होंने खाई थी, अब इनके लिए चिक्कू, फिर इनके लिए बनाऊंगी खाना, खाना खाएंगे फिर ये। हेलो, अभी टाइम हो गया 3 बज गए, अभी बच्चे आने वाले हैं, ये आए नहीं हैं, इनके लिए मैंने अभी खाना बनाया नहीं है, मैंने उनको लड्डू को खिला दिया और खुद भी खा लिया है। आगे का रूटीन अगले ब्लॉग में शूट करूंगी। ओके बाय।